नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपके साथ आशुतोष आनंद। इस वक्त हम गोड्डा के हट कहे जाने वाले टेंडर हट स्कूल में हैं और देख सकते हैं कि सीबीएसई का रिजल्ट जो है कल निकला है और आज का माहौल ही कुछ और है। देख सकते हैं इसी टेबल बेंच पर बैठ के इन्हीं सारे बच्चों ने जो है पढ़ाई की है और बता दें कि बिना ट्यूशन के बच्चों ने कड़ी मेहनत करके और रिजल्ट हासिल किया है। किसी ने 81, किसी ने 82, किसी ने 89.4 अंक लाकर जो है बच्चों ने कीर्तिमान जो है वो हासिल किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टैंडर्ड हट स्कूल के सभी बच्चों ने कहीं भी ट्यूशन नहीं लिया है, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। इन्हीं टेबल बेंच पर बच्चों ने बैठकर पढ़ाई कर रिजल्ट हासिल किया है। तो चलिए बात करते हैं, क्या नाम है आपका? अनिशा कुमारी सर। कैसा लग रहा है, कितना परसेंट रिजल्ट है? 86% है। खुश है? हाँ। क्या करना है आगे? नीट कभी तो क्रैक करना है, नीट कंप्लीट करना है। ट्यूशन व्यूशन नहीं है किसी की? नहीं, यही पे जो एक्स्ट्रा क्लास हुआ और स्कूल में ही बस। सच है या फिर झूठ है कि कहीं किसका फिर ट्यूशन भी नहीं है? पूरा सच है। पूरा सच है? नहीं, देखिए मिलावट कहीं नहीं, पूरा पूरी सच है। पूरा सच है या कहीं मिलावट है? मिलावट हमारे स्कूल में नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना परसेंट है? 78.6। आगे क्या करना है? नीट का सोचा है। नीट का सोचा जी। सच में कहीं नहीं आपको? नहीं। आप भी अगर अपने बच्चों का ट्यूशन खर्च बचाना चाहते हैं और बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं तो गोड्डा जिला का हट कहा जाने वाला टेंडर हट स्कूल में आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। देखिए काफी, क्या नाम है जी? विशाल सिंह। काफी सुखा गए हो पढ़ते पढ़ते, क्या बात है, पूरा मेहनत कर रहा था। हाँ, कितना परसेंट रिजल्ट है? 89.4। 89.4। आगे क्या करना है? आगे सीए का सोचा है। सीए का तैयारी है ना? हाँ। तो देखिए अब जो है सीए में आजकल बच्चों का ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है क्योंकि आप समझ सकते हैं सीए जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। क्या नाम है आपका? नितेश कुमार। नितेश जी, क्या आगे क्या करना है? कंप्यूटर साइंस करना है। कितना परसेंट है? 84%। तो देखिए तमाम बच्चे हैं और बच्चे के चेहरे पर मध्यम खुशी है क्योंकि ये पहला पड़ाव है, अभी आगे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10th के बाद 12th भी अब टेंडर हट स्कूल जो है वो करा रही है बच्चों को, तो शायद वहां भी अब ट्यूशन लेने की आवश्यकता ना पड़े, सिर्फ स्कूल ही करा सकते हैं। देखिए शिक्षक सब यहां बैठे हैं, इसी टेबल बेंच पर पढ़ लिख कर आप लोग भी बड़े हुए हैं और बच्चों को आज जो है ट्यूशन दे रहे हैं, क्या कहिएगा? कितना परसेंट रिजल्ट का उम्मीद किए थे और कितना लाए हैं बच्चों ने? उम्मीद थोड़ा सा ज्यादा और था बच्चों से क्योंकि इनके मेहनत पर भरोसा था कि हाँ भाई इनका और ज्यादा आना चाहिए, पर कोई बात नहीं क्योंकि आपका एक रिजल्ट आपका जीवन तय नहीं करता है, तो इसके मेहनत का थोड़ा सा परिणाम कम हुआ है लेकिन फिर भी हम लोग खुश हैं इनके मेहनत से। ये तो 12th फेल पिक्चर भी बन गया है ना, 12th फेल होने से कुछ नहीं होता है, मेहनत कब कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। क्या वो भाई बच्चों का जो रिजल्ट रहा है, कितना मेहनत आप लोगों का रहा और क्या अपेक्षाएं थी बच्चों? मेरा नाम शुभम कुमार हुआ और देखिए मेहनत सभी का इसमें बराबर रहा है, सभी बच्चों ने मेहनत किया, टीचर्स ने भी मेहनत किया है, बच्चों ने भी मेहनत किया है और इनके पेरेंट्स ने भी इनके साथ हमेशा साथ दिया कि हर एक चीज़ को फॉलो किया। हमारे स्कूल में हर एक तरह से बच्चों को मेहनत कराया गया और सभी बच्चे ने दिल खोल के मेहनत किया जो आज हम लोग को इसका परिणाम देखने को मिला है और हम लोग काफ़ी खुश हैं इस रिजल्ट से लेकर के कि बच्चों ने बिना ट्यूशन के बिना किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी के उन्होंने 89% 88% 87% के आसपास जो है स्कोर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बच्चे में काफी टैलेंट है और इनका बेसिक से ही हमारे स्कूल में इस तरह से पढ़ाया गया कि बच्चों ने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्षमता अपने अंदर जागृत किया और इसके लिए हम सभी बच्चों को तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरह से बच्चे मेहनत करते रहें और जिंदगी में आगे बढ़े। क्या कहिएगा आशुतोष जी? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने समय दिया। जैसे इंडिविजुअल अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो हमारे बच्चे देखिए मैथ्स में विशाल कुमार का हाईएस्ट 93 है। 93% मतलब बिना ट्यूशन के टेंडर हट स्कूल दे रहा है बच्चों को रिजल्ट। वही अनीसा का देखा जाए एसएसटी में 94 जी और नीतीश का हिंदी में 92। तो देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट जो है बच्चे कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप और देख रहे हैं, अगर साइंस की बात करें तो 90 है विशाल का, तो ऑन एवरेज सब्जेक्ट वाइज भी अगर हम देखते हैं तो हमारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं। ठीक है, एक दो बात बच्चे का अगर मान लीजिए 4% 5% कम आ रहा है तो उनका जिंदगी इससे तय नहीं होता। अभी तो पहला पड़ाव, अभी पहला पड़ाव है और आने 12th देने जा रहा है तो 12th में ये बच्चे अच्छे करेंगे। हम चाहेंगे कि इस रिजल्ट को आगे हम कन्वर्ट करें 12th में एक अच्छे रिजल्ट में।
वो भी बिना ट्यूशन, बिना ट्यूशन का। इस स्कूल का सबसे बड़ी खासियत बात और अच्छी बात है कि इस स्कूल के बच्चे ट्यूशन नहीं लेते हैं। ट्यूशन के टाइम में ये आते तो घर से जरूर है लेकिन ट्यूशन ना जाके स्कूल में रहते हैं और स्कूल इनको प्रोवाइड कराता है टीचर का विदाउट कॉस्ट, कोई भी फी नहीं। मतलब बच्चे ट्यूशन के टाइम में स्कूल ही आ जाते हैं और स्कूल में जो है बच्चों को हेल्प मिलता है वो भी बिना पैसे के, मतलब पैसे की कोई बात नहीं है। क्या नाम है? अबूजर कुमार। काफी उदास लग रहे हो, क्या बात है? रिजल्ट सही नहीं रहा है क्या? नहीं ठीक रहा है। कितना परसेंट है? 73.8% क्या कोई दिक्कत है? ना। अभी आगे बहुत कुछ करना है, क्या उम्मीद रखते हो, क्या करना है आगे? आगे मैकेनिकल इंजीनियर थे। मैकेनिकल इंजीनियर करना। 12th फेल पिक्चर देखे हो? यस सर। 12th फेल हो जाता है तो आदमी मायूस नहीं होता है, जो तुम मायूस हो रहे हो, बहुत अच्छा मार्क्स है, खुश हो जाते रहे, स्माइल करो। ना सर दुखी नहीं थे सर, नहीं और थोड़ा उम्मीद था इसलिए। उम्मीद तो इंसान करता ही है, उम्मीद का क्या करोगे, लेकिन फिर उम्मीद पर मेहनत करो आगे चलकर। यस सर। है ना। तो देखिए ये सारे बच्चे हैं और बच्चे काफी खुश है, किसी कोई मायूस है थोड़ा सा कि थोड़ा और अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, तो थोड़ा कोई इसलिए मायूस है कि 100% क्यों नहीं आ गया, तो बहुत लफड़ा है और समझ सकते हैं कि बच्चे हैं, उम्मीद बच्चे ही रखते हैं और बच्चों से उम्मीद पेरेंट्स रखते हैं और टीचर रखते हैं। तो आप भी अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो टेंडर हट स्कूल में नामांकन कराएं, 10th और 12th दोनों की तैयारी जो है यहाँ पर होती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि यहाँ पर बच्चों को एक्स्ट्रा ट्यूशन में फी लगाना नहीं पड़ता है। बाकी बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।